हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज सबसे पहले मार्केट देखते हैं। निफ्टी -70 पॉइंट था। बैंक निफ्टी अगर आपका देखे तो 0.17 प्लस था, एंड स्मॉल कैप 1% प्लस था। तो आज स्मॉल कैप में, आज ब्रॉडर मार्केट में अच्छा तेजी था रेदर देन लार्ज कैप एंड बैंक निफ्टी। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ये एक अच्छा खासा सेलिंग हमने देखने को मिला। ये मंडे का पैनिक था, लास्ट मंडे का, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आ रहा है और फिर वहां से सेलिंग आ रहा है, या नीचे आ रहा है तो बाइंग आ रहा है। या सो द मार्केट अभी देखेंगे तो रेंज में फंसा हुआ है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो सूनर और लेटर मार्केट अगर ये रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो कॉन्सोलेशन में ही रहेगा। सो लेट सी टुमारो। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, ट्रेंड ऑन है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक है। वीकली में भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक है। डेली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट और पुल बैक हो रहा है, एंड माइनर टाइम फ्रेम में थोड़ा वीकनेस है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट माइनर। कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ इसके ऊपर बाजार ये जोन में जा सकता है 25,220 से 240। आज गैप अप कहीं ना कहीं उसके आसपास ओपन हुआ और फिर वहां से अपने को एक सेलिंग देखने को मिला। जो सेलिंग अपना नीचे का जोन है उसके आसपास आया, बट नीचे टच नहीं हुआ। सो फॉर टुमोरो 25,000 से 24,990 वो एक बाइंग जोन है। तो नेक्स्ट ऊपर में जोन देखेंगे 25,102 से 126, फिर उसके बाद 25,220 से 240 का जोन है। जैसे ही ये 25,000 मोटा मोटी अपनी 24,980-70 का जोन ब्रेक डाउन करेगा निफ्टी स्पॉट में, तो फिर नीचे में अगेन लो के आसपास जाएगा, जो 24,700-680 के आसपास है, राइट? बट इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा, देन वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। अदरवाइज ये एरिया में आपको लॉन्ग देखना है। यहाँ पे आपको शॉर्ट फिर से देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे सेलर्स दिखेंगे। अगर बाजार ने ये लेवल्स को क्रॉस कर दिया मोटा मोटी 25,250 के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट एरिया इज 25,320 से 340 का जोन है, राइट? नाउ 310 से 340 का जोन है, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो 25,321 से 25,340 का जोन है, राइट? ये, और फिर उसको क्रॉस कर दिया तो फाइनल एक एरिया है 25,530 से 25,550। अगर उसको क्रॉस कर दिया तो मार्केट विल गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्ड में ये ज्यादा टाइम ऐसे टिकना नहीं चाहिए, फॉलो बाइंग आना ही चाहिए, अदरवाइज फिर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर मार्केट को और ब्रेक डाउन कर देंगे। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इसके नीचे सस्टेन हुआ तो सेलर्स डोमिनेट करेंगे, और फिर इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर बायर्स डोमिनेट करेंगे। या तो अभी हम मिडल जोन में है, बट माइनर टाइम फ्रेम में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ खिचड़ी होके खड़ा हुआ है बाजार में। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है। डेली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक आया है, एंड माइनर में आप वीकनेस थोड़ा देख रहे हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। सो कल हमने, आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था, ये एक एरिया है तो गैप अप वहां ही एग्जिट हुआ, वहां से एक सेलिंग देखने को मिला 200-300 पॉइंट का नीचे में, फिर यहाँ से बाइंग देखने को मिला जो प्रीवियस जोन था, फिर से अपर जोन को हिट किया हमने जहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर सकते हैं। सो जैसे ही बाजार 52,050 मोटा मोटी आप पकड़ लो, 52,050 से 100 का जोन, इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट एरिया है 52,530 और 600। तो आप इसके ऊपर सस्टेन होगा तो आप लॉन्ग देख सकते हैं। यहाँ नीचे में आपको यहाँ पे 51,800 से 51,770 के आसपास आप लॉन्ग देख सकते हैं, मोटा मोटी 750। फिर आप 52,530 से 52,600 का जोन है वहां पे आसपास, यहाँ पे भी सेलर्स दिख सकते हैं। जैसे ही इसको क्रॉस किया और फिर ब्रेकआउट आया तो वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी मंडे के हाई के ऊपर आज भी क्लोज दिया, कल भी क्लोज दिया, तो दैट्स अ गुड साइन फ्रॉम द बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। यहाँ पे मंडे का जो पैनिक था उससे काफी ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स चला गया है, मे बी पूरे प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास कहीं ना कहीं आया है। तो ट्रेंड अगर मंथली में देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। सो राइड योर विनिंग पोजिशन, मैनेज योर रिस्क
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैव अ डिसिप्लिन, वही चीजें अपने को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलते हैं।